नमस्कार, स्कूल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका रैना, आज के समाचारों के साथ। चीफ एजुकेशन ऑफिसर रजौरी ने किया ऐतिहासिक ऑर्डर। रजौरी डिस्ट्रिक्ट से बाहर बैठे 8 टीचर्स को डिटैच करने के दिए ऑर्डर। 8 लोगों की इस लिस्ट में हाई स्कूल नारला के गोविंद शर्मा भी है शामिल। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू में फिट इंडिया के अंतर्गत नोडल ऑफिसर के रूप में कर रहे हैं कार्य। 8 में से 6 टीचर केवल लोअर हथल जोन से, ZDO ऑफिस मीरा साहब, SPD जम्मू, DSEJ जम्मू और फी फिक्सेशन कमेटी ऑफिस जम्मू में है कार्यरत। स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्कर्ट जम्मू ने जारी किया क्लास 8 और 9 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर। इस साल कोविड पैनडोमिक के कारण स्कूल बेस्ड असेसमेंट का किया गया फैसला। सैंपल क्वेश्चन पेपर के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अवेलेबल। रजौरी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल समोट किया गया 17 मार्च तक बंद। गांव में आया था एक कोविड पॉजिटिव केस। कम एनरोलमेंट वाले गवर्नमेंट स्कूल्स को किया जाएगा क्लब। एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए संकेत दिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी BK सिंह ने। 25 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सारी ट्रांसफर्स। इसके बाद PRT रेशो मेंटेन करने के लिए हो सकती है रैशनलाइजेशन। जम्मू कश्मीर से आज कोविड-19 के 99 नए केस आए सामने। टोटल टोल पहुंची 1,27,000 के पार। क्लास 1 से 7 तक नहीं होगा ओरल एग्जामिनेशन, कहा क्लस्टर हेड गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मंजाकोट ने। क्वेश्चन पेपर के लिए यूज करें ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड। ग्लोबल कॉन्वेंट स्कूल मालिक मार्केट जम्मू को अपना पक्ष रखने के लिए पेश होना होगा चेयरमैन FFC जम्मू के सामने 17 मार्च को। ग्लोबल कॉन्वेंट स्कूल इशू पर देखिए कंप्लीट स्टोरी आज रात 9 बजे स्कूल पल्स पर। लेक्चरर राजीव चड्डा बने जम्मू कश्मीर टीचर फर्म के डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट। एक बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया फैसला। इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त हुए। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहे स्कूल पल्स के साथ। नमस्कार।